तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कई अहम मेहमान. हमारे साथ है कांग्रेस के नेता हरीश रावत, बीजेपी के नेता नरेश सिरोही हमारे साथ हैं, साथ ही टैक्स की निटिग्रिटीज को समझाने के लिए चार्टर्ड क्लब के फाउंडर और सीईओ करण बत्रा हमारे साथ हैं, और साथ ही में कारोबार जगत से उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए निदेशक अलाना सन्स लिमिटेड के फैजान अलवी हैं. और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के नेता हितेश जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे. लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं करण, क्योंकि पर्सनल टैक्स थोड़ा सा ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था किसानों के अलावा, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 लाख तक अगर हमें कोई राहत दे दी गई है तो इससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं हुआ है. जबकि ये बोलने से पहले, ये राहत देने से पहले पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हम उन करदाताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं जिनकी वजह से ये देश चलता है. देखिए, जो डेटा आता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आता है, तो अगर आप डेटा देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो 5 लाख से कम के लिए हैं, तो उनकी इनकम 5 लाख से कम होती है. तो ये पॉपुलिस्ट है, मेजॉरिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये. इन टर्म्स की उन्हें जो राहत मिली है 12,500 की, सेस मिला के 13,000 की, वो एक्चुअल में बहुत बेनिफिशियल है. और ये जो पैसा उनके पास बचेगा वो स्पेंड करेंगे, मार्केट में पैसा घूमेगा, उससे इकोनॉमी में भी बेनिफिट मिलता है. तो ये वजह थी कि हमने आज देखा कि जो ऑटोमोबाइल्स के शेयर थे या जो एफएमसीजी के शेयर्स थे, आज उन काफी उनमें बढ़ोतरी हुई है स्टॉक मार्केट में. लेकिन एक सवाल के बल्कि कुछ इस तरह की शंकाएं हैं जो लोगों के मन में आई हैं, 2-3 सवाल हैं. पहली बात तो ये बात कही गई थी, हालांकि वो गलत साबित हुई, कि ये अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, लागू होगा. दूसरा ये था कि जो 5 लाख से ऊपर की आमदनी वाले हैं, क्या उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये दो सवाल, इनका आप जरा क्लियर अगर कर दें तो. ये जो एप्लीकेबल है ये 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है, तो अगले साल से ही एप्लीकेबल हो जाता है. इनफैक्ट जब ये आया था तो बहुत कंफ्यूजन थी कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो 5 लाख से कम है. उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आए उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है. तो जिनकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन जो लिमिट बढ़ाई गई 40 से 50,000 किया गया, तो जो 10,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा. 10,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा जरूर मिलेगा, पर वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जो नौकरी पेशा है. अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए नहीं है. ठीक है, कॉरपोरेट जगत की अगर बात करें तो फैजान साहब, एक जो बात कही गई थी कि जो कॉरपोरेट जगत है क्या उसको राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं जो बजट आ जाए? हालांकि आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं. देखिए, हम लोगों का तो कृषि का एक्सपोर्ट का काम है, और हिंदुस्तान पर जो एग्री एक्सपोर्ट है इसकी बहुत डिपेंडेबिलिटी है. 40 बिलियन का है इसका टारगेट, तो करीब 60 और 70 बिलियन की बात करते हैं जी. आज एक अच्छा काम ये हुआ है कि फिशरी जो एक्सपोर्ट होता है, मरीन जो एक्सपोर्ट होता है, वो 7 बिलियन का होता है. उसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है यहां से, तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है और डिपार्टमेंट अलग, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज उसके लिए अलग किया गया. अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, यू नो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. स्कीम आती है बहुत, लेकिन वो कहां तक ग्रास रूट तक पहुंचती है, ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जिससे फाइनल बेनिफिशियरी एंड में बेनिफिट करता है कि नहीं करता है, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क. नरेश जी, आपसे अब सवाल वही है किसानों का, क्योंकि बहुत बड़ा, इससे पहले भी आपको याद होगा हमारी चर्चा हुई थी कि क्या किसानों को सीधे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आज हुआ बजट में इसका ऐलान कर दिया गया है. लेकिन फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं. आप देख रहे हैं कि 6,000 रुपया साल का है, 500 रुपये महीने का है, 70 रुपये प्रतिदिन का है, क्या ये काफी है वो किसान जो कि आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है उसके लिए? देखिए, जैसा अरुण जी ने कहा है कि ये अभी शुरुआत है, मैं भी मानता हूं कि ये शुरुआत है, और ये प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री को मैं इसमें धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो लोग बात कर रहे हैं ना कि बहुत कम रकम है, मैं भी मानता हूं कि कम है, ये बहुत ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन उन जो छोटे किसान हैं 2 हेक्टेयर से भी नीचे, 1 एकड़ का है, आधा एकड़ का जो फार्मर्स है, जो बाजार में खरीदने और बेचने के लिए पैदा ही नहीं करता, केवल अपने पेट भरने के लिए होता है, इनपुट कॉस्ट उसकी भी ज्यादा होती है. ये जो 6,000 रुपए मिलेंगे ये उसकी इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे, ये देखने वाली बात है. इसमें जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बहुत, तो ये बड़े किसानों के लिए नहीं है. हम मांग करते हैं किसानों का, एक मिनट, किसानों का कर्जा माफ करेंगे. कर्जा एक स्तर के ऊपर के लोगों को कर्जा मिलता है. एमएसपी की बात करते हैं, मुश्किल से 20-25% किसान ऐसे हैं जो अपने पैदा करने के अलावा बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं, उनको एमएसपी का फायदा होगा. ये बहुत बड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, जो अपने खाने भर के लिए पैदा करता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट उसको भी महंगी पड़ती है, तो इनपुट कॉस्ट में ये बड़ी राहत है. ठीक है, हितेश जैन भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए. हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
एनडीटीवी इंडिया पर। यही बात हो रही थी कि क्या ये चुनावी बजट है, क्योंकि बार बार किसानों की बात कही जा रही थी, आज भी यही कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट है और इसके सहारे मोदी सरकार चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है। अखिलेश जी, सरकार जो होती है वो जनता के प्रति संवेदनशील बरताती है, वो जनता की राय सुनती है, जनता से जनता की जो विशलिस्ट होती है, सरकार का काम है वो जनता के विशलिस्ट को पूरा करना। जब ये वेलफेयर की बात करते हैं हम, ये सिर्फ बजट को आपको सिर्फ एक बजट के तरह इवेंट नहीं देखते हुए हमने एक फ्यूचर का 10 साल का विजन भी जनता के सामने रखा है कि हम उनके सामने कैसा न्यू इंडिया रखना चाहते हैं। तो जब आप देखेंगे, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और पिछले 5 सालों में ये बजट को न देखते हुए आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो भारत की हर जनता को कुछ ना कुछ बजट ने दिया है। और आज का ये बजट देखेंगे तो ये बजट एक भारत का बजट है। इसमें मिडिल क्लास के लिए है, फार्मर्स के लिए है, गरीबों के लिए है, आम इंसान के लिए है, और एक एस्पिरेशनल इंडियंस के लिए भी है कि वो किस तरह अपने एस्पिरेशंस फुलफिल करके एक अपने को खुद को एक नई ऊर्जा के साथ वो एक अपने न्यू इंडिया में अपना परचम लहरा सकता है। जी, तो ये न्यू इंडिया बोल करके पीयूष गोयल जी ने भी बताया था और 10 डायमेंशन की एक विजन दी थी। हालांकि डायमेंशन बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन हरीश रावत जी आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देखें तो वाकई में पिछले 5 साल में जितने भी बजट आए हैं कुछ ना कुछ धीरे धीरे सबको मिलता रहा है, और पर्सनल टैक्स पे खासतौर पे और रियल एस्टेट वगैरह, क्योंकि मैंने इनको आगे लाया कि ये जाहिर तौर पे हमने यूपीए में ज्यादा नहीं देखा था। तो क्या आपको लग रहा है कि आज का बजट तो हमें देखने में लगा वो फुल बजट ही लगा, आपको क्या लगा? देखिए, पर्सनल बजट नहीं, पर्सनल जो रिबेट्स दिए गए हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो यदि 2-3 साल पहले दिए गए होते हैं तो हम कहते कि ये गंभीर प्रयास है मिडिल क्लास को राहत देने का। आज मिडिल क्लास के सामने और लोअर मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ा सवाल है एम्प्लॉयमेंट का जी। ये बजट कहीं भी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट को उसको छूने का भी काम नहीं कर रहा है। एनएसएसओ की रिपोर्ट ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने जो खाका रखा है वो बहुत चिंतित करने वाला है। और हम लोग भी जो रियलिटी को जानते हैं, सब इस बात को समझते हैं कि इस समय बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है और हर परिवार उसके नीचे चरमरा रहा है। आपने एक प्रकार से थोड़ा सा आई वॉश है, एक रिवेट दी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे उनको राहत नहीं मिली है, राहत थोड़ी मिली है, मगर ये काफ़ी नहीं है। इसको In general, I tend to look at all data. I'm just asking suspicious. You heard? I look at all data. You heard of 2% unemployment in this country for so many years, 2%, 3%. It's a question of complete change in the way this country is working. This country works on its, on different people working in different areas across the length and breadth of the country. Small businessmen, people, self-employed people, carpenters, masons, people engaged in the construction industry. There's so many multifarious dimensions of work in this country that the data could never imagine the sudden formalization that has happened in the last 2 years. And that formalization post-demo is possibly not yet being properly understood or captured. The NSSO comes out with data once in 5 years, which is too long a period. The world is changing so fast now. Nature of jobs worldwide are changing. You yourself are coming out with apps which are going to transform news reading or news, the industry of giving news totally. So I think in this changing era where newer and newer technologies are taking center stage, this government is trying to skill our people in this new age,
is trying to bring in data analytics, modern technologies for manufacturing, artificial intelligence. We have a vision which is very futuristic. And our youngsters are really doing us proud. The kind of startups, the new unicorns that we are proud of in India. So that's so where I you think the unemployment problem will eventually be I solved think more what than... They are doing is to try and assess what the real situation is, assess the impact of formalization, validate that data with quarterly numbers, and I'm sure they'll come out with their data. But I respect data. I respect the good work that the CSO is doing. I'm sure they'll come up with more realistic data rather than data which was showing numbers which will look very good. But I don't think anybody in this room would ever believe that. So you're saying there's a problem perhaps with the numbers? I think we will wait for the more validated data to come out. In any case, can you imagine such growth being the world's fastest growing large economy consistently for so many years, having more growth in 5 years at an average than any other government since independence? Is that possible without work, jobs, new employment opportunities? It's possibly just something which is well recognized, that growth is the only way to take the people out of poverty and progress their lives. All right, Piyush Goyal, I know you have to go now. Thank you so much for speaking to us. तो बात कर रहे थे वित्त मंत्री पीयूष गोयल, उनसे सवाल भी रोजगार के बारे में पूछा गया था, तो वो कह रहे हैं कि जहां तक रोजगार का सवाल है, जो आंकड़े आए हैं उनको सरकार ने वेरीफाई नहीं किया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि कई तरह के अपॉर्चुनिटीज मौके मिल रहे हैं आज के युवाओं को, सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, स्वरोजगार की बात भी सरकार आगे बढ़ा रही है। खैर बहरहाल ये तमाम मुद्दे इस पर हम चर्चा करेंगे, हरीश रावत जी इसी पर सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के नेता, और हम उनसे पूछेंगे कि जो वित्त मंत्री का जवाब आया क्या उससे संतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं बजट इंडिया का और हम चर्चा कर रहे हैं आज के बजट पर, और हरीश रावत जी आप बोल रहे थे कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये रिपोर्ट में भी साबित आया, लेकिन अभी अभी हमने पीयूष गोयल जी को बोलते हुए सुना कि वो कह रहे हैं कि वो पुराने आंकड़े जो थे वो उतने डिपेंडेबल नहीं थे और अभी फॉर्मलाइज हो रहा है इकोनॉमी। इतने वर्षों तक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े सही माने गए, क्योंकि इस बार सरकार को आंकड़े सूट नहीं कर रहे हैं तो फिर एनएसएसओ जो है इरेलीवेंट हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने सांख्यिकी आयोग को, जो हमारे सारे आंकड़ों को वेरीफाई करता था, जिससे ऑथेंटिसिटी बनी रहती थी, जिस पर प्लान बनता था, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को जज करने की कोशिश करते थे, उसको किल कर दिया इन्होंने। देखिए इनका जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड इस गवर्नमेंट का, ये जो है जॉब क्रिएटर नहीं रही है, जॉब किलर रही है। आज हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। पहली समस्या है हमारे सामने कि जो फार्म सेक्टर है उसमें जबरदस्त डिस्ट्रेस है। फार्मर बजाय उत्साहित होने के, हमारे बार बार की घोषणाओं के, वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है। जो GDP है एग्रीकल्चर की, जो UPA के समय में 4.5% से ज़्यादा थी, आज वो घट करके 2% से नीचे आ गई है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट घट रहा है। तो नंबर वन, कैसे किसान को उत्साहित किया जाए, उसके लिए बहुत आवश्यक था कि आप लोन विवर करते और उसके बाद ये स्कीम को लागू करते। हम लोन भी वेव करेंगे किसान का, और हम इस स्कीम को और मॉडिफाई करेंगे, कम से कम उतना तो देंगे जितना मैं कह रहा हूँ, उतना तो देंगे जितना तेलंगाना और दूसरे राज्य दे रहे हैं। आपने खाली एक आई वॉस दे दिया। उसी तरीके से जो तीसरी समस्या है वो है जिस सेक्टर को, जो पॉवर्टी, जो गरीब है, उस गरीब तक कैसे फायदा पहुंचाया जाए, जिसके लिए राहुल जी ने कहा कि हम डायरेक्ट जो है एक एश्योर्ड इनकम पहुंचाने की, ठीक है, मैं जी को इस पे लाना चाहूंगा आपका। इन्होंने उसकी जो रेमेडी निकाली है, ठीक है, मैं वो इतनी जिगजैग रेमेडी है, उससे किसी मजदूर को, किसी गरीब को फायदा होने वाला नहीं है। कौन जिया है तेरे जुल्फों के सर होने तक, 7 साल की बात कर रहे हैं 18 साल के नौजवान से, जो आज रो रहा है उसे कह रहे हैं जब देने का काम करो। विपक्ष में होते हैं तो ये वादे करना बहुत आसान होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब आपको दुनिया भर की चीजें भी सोचनी पड़ती। लेकिन क्या वजह है कि इतनी कम रकम का प्रावधान किया गया? आप मानते हैं कि 6,000 रुपए काफी हैं किसानों के लिए, जो आज देश भर के किसान जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसके लिए?
मैं इस रकम का जवाब दूंगा, पर मुझे हरीश रावत जी के दो बातों पे भी जवाब देना है। हरीश रावत जी कहते हैं कि दो तीन साल पहले हमने ये टैक्स की एग्जेम्पशन देना चाहिए थी मिडिल क्लास के लिए, तो 2004 से 2014 तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उन्होंने 1,75,000 से ज्यादा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने मिडिल क्लास को दी थी महंगाई। आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे 2004 से 2014 10% तक इन्फ्लेशन रेट गई थी, जो आप देखेंगे फिलहाल के इसमें पिछले 5 सालों में, और आज अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो वो 2.1 है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी जो गरीबों के हिसाब से किसानों के खीसों से जो पैसा जाता है, तो वो किस तरह से तब जा रहा था और किस तरह से बचत हो रही है, ये आपके सामने उदाहरण है। रही सवाल जॉब की, आप देखेंगे पिछले 5 साल में इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 7.2 के रेट से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तेज गति से विकास हो रहा है। करीबन हमने इन्होंने इतने सालों में 13 करोड़ सिलेंडर दिए, हमने 4 साल में 13 करोड़ सिलेंडर दिए, घर घर में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम लेके जा रहे हैं, हाईवे करीबन 27 किलोमीटर का काम हो रहा है। तो जब बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ गया है, अटैक कर रहे हैं सार्वजनिक भी नहीं होने देना चाहती, वो बेरोजगारी की बात बार बार नहीं जनरेट हो रहा है, तो ये बातों में कोई तथ्य नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं जी, मेरा सवाल था बेरोजगारी के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिनको की जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है, सामने नहीं आने देना चाह रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम तो सारी बातें रख रहे हैं जनता के सामने, और अब जिस हिसाब से आपने वित्त मंत्री की भी बात सुनी होगी पीयूष जी की, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का स्कोप बदल रहा है, जो नए नए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, आप उन्होंने जो उदाहरण दिया कि इवन आपके न्यूज चैनलों में देखिए जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट के अवसर आ रहे हैं और स्कोप बदल रहा है, और जब आप उड़ान स्कीम देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, आप हाईवे जब 27 किलोमीटर के हाईवे दिन के बन रहे हैं, तो ये क्या कोई मशीनें बन रही है या आप अपने आप थोड़ी बन रहे हैं? इसमें काफी लोगों को रोजगार मिला है और सारे विषयों पे और सारे लोगों को इसमें अगर आप पूरा डेटा ध्यान से राय भी ले लेते हैं, आपको पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जिस तरह से कांग्रेस जी करण, हालांकि आपकी एक्सपर्टीज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, बट क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की बात है हो रही है, क्या ऐसा होता है वाकई में कि कोई ऐसे जॉब्स होते हैं जो काउंट नहीं हो पाते हैं, जैसे कह रहे हैं कि नए जॉब्स आजकल आ रहे हैं, क्या ऐसा होता है? हो सकता है होता हो, पर इतने मैग्नीट्यूड के नहीं है कि हम उसे कंसिडरेबल रखें। टू सम एक्सटेंट होता है, पर वो इतना बड़ा नंबर नहीं होता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नए मान लीजिए इन्फ्लुएंसर्स के ही जॉब आ रहे हैं सोशल मीडिया में आजकल, अलग अलग टाइप के जॉब आ रहे हैं, तो क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी कि ये बिल्कुल काउंट ना हो रहे हो? इट इज अ पॉसिबिलिटी। आप ये सोचिए कि क्या किसको पता है कि फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए कितने लोग क्या कमा रहे हैं, क्या उस टाइप के न्यू जॉब्स न्यू एज जॉब्स काउंट हो रहे हैं? यूट्यूब के ऊपर कितने यूट्यूबर हैं वो, ये काउंट हो रहा है? ये जो आ रहे हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे फेसबुक है या यूट्यूब है या मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी आइडिया एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भरते हैं। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्री का भी ले ले जरा फैजान साहब, आपको लगता है कि रोजगार के मौके जितने आज से 5 साल पहले तो उससे कम हुए हैं? ये बात आपने कही उसको थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में करेक्ट करना चाहता हूँ। जो एनएसएसओ है, एनएसएसओ तो छोड़िए, इवन जो लेबर ब्यूरो है जिसको अब इन्होंने करीब करीब आउटलॉ कर दिया है, बैंड कर दिया है, श्रम विभाग का जो है वो भी इन सब चीजों को काउंट करता है। यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर में जो चीजें ये आयुर्वेदिक इत्यादि सब चीजें यूज होती हैं उन तक को कौन प्रोड्यूस करता है, उसे कितना एम्प्लॉयमेंट आता है, वो तो माइन्यूटेस्ट डिटेल भी रखते हैं। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड है जिससे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं उनको काउंट नहीं किया जाता हो, ये नहीं संभव है। ठीक है, फैजान साहब आपको क्या लग रहा है कि क्या जो रोजगार आप देते थे या जो आपके पास लोग आते थे वो संख्या बढ़ी है या घटी है? देखिए, लेबर इंटेंसिव में जो एग्री एक्सपोर्ट है, लेदर है, इसमें तो थोड़ा रोजगार कम हुआ है। एंड सेकेंडली व्हाट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, आप देखिए कि जो क्वालिटी ऑफ जॉब क्रिएशन है वो एक आल्सो उस पर भी आदमी को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की क्वालिटी ऑफ, और आपका जो यूथ है वो एस्पिरेशनल है, वो करना क्या चाह रहा है, उसको करना क्या पड़ रहा है, यू नो दिस इज आल्सो अ बिग क्वेश्चन। जो नोटबंदी बीच में हुई थी, आपको लगा कि उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं? हाँ, उससे एक्चुअली जो बहुत लेबर इंटेंसिव जो थे ना, जो डेली वेजेस थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे,
उनका बहुत नुकसान हुआ। नरेश जी, आपका मानते हैं असंगठित क्षेत्र में तो आपके जो खेतों में काम करने वाले मजदूर है वो भी आते हैं, बड़े रिपोर्ट्स उस वक्त आई थी, आपको लगता है कि ये जो आज योजनाओं की घोषणा हुई है इससे उनको भी फायदा होगा? लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बाटेदार हैं, जो जो बटाईदार जिनको बोलते हैं हम, जो खेत जो किराए पर चलाते हैं, उनको तो 6,000 रुपए नहीं मिलने वाले, तो उनका उनका भला कैसे होगा? उनको लोन वेवर भी नहीं मिलता, उनको लोन वेवर भी नहीं मिलता है। देखिए, उनकी एक बड़ी ये समस्या है और बहुत चैलेंज है उस सबके सामने कि वो संख्या भी बहुत बढ़ गई है, जो बटाईदार हैं, जो श्रमिक हैं, वो संख्या लगातार, क्योंकि खेत जो है कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अगर किसी के पास आधा हेक्टेयर भी नहीं है, आधा हेक्टेयर से भी चौथाई हेक्टेयर भी नहीं है, तो वो उसको बेच के निकलता है, फिर मजदूरी करके गुजारा करता है, लेकिन वो करता है अपने लिए रोजगार पैदा करता है, उसको जितनी राहत मिलनी चाहिए। अगर वो लैंड लीजिंग एक्ट जो स्टेटों में गया है और जहां जहां अगर उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसका फायदा भी उन किसानों को मिलेगा जो भूमिहीन है। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार नोटबंदी के बाद एक बार थोड़ा ठिटका था कृषि के क्षेत्र में, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वापस आया है, लोगों को फिर रोजगार मिला है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपके खेत में टमाटर लगा है तो उसके तुड़ाई के लिए आदमी नहीं चाहिए। एक वक्त हुआ कि बाजार मंडियां कम हो गई, पर एक वक्त ये हुआ कि जब उनको टमाटर के बीज ही खरीदने के लिए पैसा नहीं था, हाँ, 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 तो वो एक एक पीरियड था, वो निकल गया। ऐसा नहीं है कि आप सहमत हैं इस बात से, आपको लगता है कि ये रोजगार वापस आया है? जी, मैं दो बातें, एक जो आपने कहा क्वालिटी जॉब्स की बात कही, उसमें आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें देश भर में 2000 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए और कम से कम 7,000 या कुछ आंकड़ा था पॉलिटेक्निक बंद हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी आधारित जॉब्स थे वो नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक की बूम आई यूपी के समय में, आज वो बंद हो रहे हैं, तो ये इंडिकेटर है कि कहीं कहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था। जो जेंटलमैन वहां महंगाई की बात कर रहे थे, देखिए किस किस क्षेत्र में महंगाई घटी है, जो किसान के प्रोड्यूस थे, जो आज किस फार्म सेक्टर में इतनी बड़ी हताशा है उसका सबसे बड़ा कारण है किसान का दूध सस्ता हुआ है, किसान की सब्जी सस्ती हुई है, किसान जिस चीज को पैदा करता है, दाल पैदा करता है, वो सस्ती हुई है। लेकिन अभी अगर टमाटर महंगे हो जाएंगे, प्याज महंगे हो जाएंगे, तो हम तो यहाँ पे चलेगा कि देखिए प्याज महंगा हो रहा है। जब महंगे होंगे तो कीमत पॉलिटिक्स पे करती है, लेकिन किसान को जारी रखेंगे। टमाटर महंगा होगा तो हमारे आपके लिए महंगा होगा, किसान को फायदा नहीं हो रहा उसका टमाटर महंगा होने का। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर बंद हुए हैं, पर वो टाइम भी आ गया जब कॉलेज ड्रॉपआउट्स करोड़ों में कमा रहे हैं। प्रैक्टिकली हम आईटी रिटर्न भरते हैं तो हमें पता है बहुत कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं कि अगर आपके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी जॉब्स हैं, वो ऑनलाइन के जरिए से बाहर से पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट या रोजगार का मुद्दा है उसको लेकर के काफी अलग अलग राय आ रही है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। तो बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पर्सनल टैक्स पर अगर हम चर्चा कर रहे थे अखिलेश, तो हमने देखा था एक वक्त आए सबको लगा कि 5 लाख तक की जो तनख्वाह है हमारी सबकी टैक्स फ्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पर खुशी बहुत कम समय तक हमारे रही। लेकिन पर ऐसा है कि आपकी अगर 10 लाख की भी तनख्वाह है तो आप पैसा बचा सकते हैं और जीरो टैक्स कर सकते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं अपने इस ग्राफिक्स के जरिए। यहाँ करण, अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो, अगर मेरी 10 लाख की सालाना तनख्वाह है तो भी मैं बचा सकती हूँ, कैसे? अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ कुछ तरीके की तो बच सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ATC में हम 1.5 लाख रुपए डाल देते हैं जी, या एक NPS ATC में क्या आएगा, किस चीज़? ATC में PPF आ जाता है, आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, आपके NSE आ जाते हैं, LIC आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल ये आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक अभी एडिशनल डिडक्शन आई थी 50,000 रुपए की, 40 से 50 हुई है अभी, अभी 40 कर दिया। हाँ, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 40 की 50 हो गई है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम होम लोन है हमारे पास उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। ये सारी एडिशनल है। NPS भी हमारे पास एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो हम 50,000 इन्वेस्ट करके इसका फायदा ले सकते हैं। राइट। और उसके अलावा अगर हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी भी हम 50,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये 10 लाख में से हमने ये सारी चीजें माइनस कर दी तो 5 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम बनी। हाँ, 5 लाख रुपए पे टैक्स इस बार मैंने माफ कर दिया। आप 5 लाख की जो टैक्सेबल इनकम बनी 50,000 की
मतलब टोटल 5 लाख बन गई और वो आपको वो है, तो ये एक तरीका है, एक तरह से चीट कोड है कि आप अपनी तनख्वाह को 10 लाख की तनख्वाह को 5 लाख का कैसे कर राइट जी। सर आप बोल रहे थे हरीश रावत जी की ये सब लॉलीपॉप है, ये बहुत ही तरीके से सारी चीजों को कंसील किया गया जो रियलिटी है। पर क्या कंसील किया? उन्होंने कहा रिबेट शब्द यूज किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो रिबेट इस्तेमाल करेंगे। ये रिबेट, रिबेट तो पहले भी ये जिन चीजों का मेरे दोस्त ने अभी जिक्र किया कि आप ये लाभ ले सकते हैं और टैक्स से छूट अर्न कर सकते हैं, ये तो पहले भी आप कर सकते थे। फिर भी 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग पहले, पहले कोई उसके लिए कैप नहीं था, कोई सीलिंग नहीं थी और आज भी वही स्थिति है, तो फायदा कहां पर गया? ये तो जो रियल फायदा है, 5 लाख का जो रिबेट है वो तो अभी आज ही रियल फायदा केवल इतना है कि यदि मेरी 5 लाख से नीचे की इनकम है तो मुझको टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऊपर को बचाने के लिए जो मैं पहले 2.5 लाख में एफर्ट्स करता था वही एफर्ट्स मुझको अब भी करने पड़ेंगे। हितेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का जाल है जिसमें कि उलझाया जा रहा है, ये कोई इनकम टैक्स में आपने राहत नहीं दी है। देखिए कांग्रेस तो स्वाभाविक है ये कहेगी क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, इस बारे में उन्होंने बेनिफिट्स भी नहीं दिए थे, तो वो तो इसे आंकड़ों का जाल ही कहेगी। पर हम एक्सपर्ट्स की बात मानते हैं, जो आपके एक्सपर्ट समझा रहे थे कि जिसकी आमदनी 10 लाख तक भी हो सकती है तो वो भी जीरो इनकम टैक्स, निल इनकम टैक्स पे कर सकता है, तो 5 लाख का उसको रिबेट मिलेगा और 5 लाख के सारे डिडक्शंस मिलेंगे। और रही बात 5 लाख की जिसकी इनकम है, तो जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसे पूरी इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो ये काफी बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई है, ये कोई आंकड़ों का जाल नहीं है, ये सीधे सीधे आंकड़े आपके सामने हैं। 5 साल क्यों लगे? क्योंकि मुझे याद है कि अरुण जेटली जी ने जनता के सामने, अरुण जेटली जी ने 2013 में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आयकर की सीमा जो है वो छूट की सीमा 5 लाख तक कर दी जाएगी, तो आपको पूरे 5 साल लगे ये वादा पूरा करने में? अखिलेश जी 5 साल नहीं लगे, अगर आप देखेंगे तो पहले जिसकी 10 लाख की इनकम होती थी 2014 तक, वो इंसान 1,70,000 रुपया टैक्स भरता था। आज अगर आप 10 लाख की इनकम देखेंगे तो वो इंसान 60,000 के आसपास भरेगा और जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और ये रिबेट की सारी बातें रहेगा वो निल इनकम टैक्स देगा। तो ये सारा फर्क है, क्योंकि इस बजट को आपको ये नहीं देखना पड़ेगा, जो स्थिति थी 2014 में जब इंसान 1,70,000 रुपया जो टैक्स भरता था यूपीए और कांग्रेस के शासन में, वो आज निल से लेके 60,000 रुपया तक भरेगा। तो इस तरह की ये इतनी बड़ी राहत सरकार ने आम मिडिल क्लास के लिए दी। जेंट्स, हितेश जी आप जो कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रही हूँ। मुझे कभी हरीश रावत जी इस बात को झुटलाए कि यूपीए में 2014 में 1,72,000 रुपया टैक्स था 10 लाख रुपए के इनकम पर, उन्होंने क्या किया था तब जी? और ऊपर से 10% की महंगाई, देखिए महंगाई भी जोड़ दीजिए 10%। मेरे एक दोस्त वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये जितने शब्द आज वित्त मंत्री जी ने यूज किए हैं ये पहली बार यूज हो रहे हैं, इससे पहले कभी यूज ही नहीं हुए। मतलब इस देश के अंदर किसी सरकार ने किसी तरीके की मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश ही नहीं की। जिस समय जिस तरीके की स्थितियां होती हैं देश की अर्थव्यवस्था, हरीश जी आप बताइए ना, 10 लाख पर कांग्रेस 2014 में 1,72,000 रुपया टैक्स था, आज बदली हुई हालात है। आज सेवन, आज पे कमीशन के लागू होने के बाद सैलरी क्लास की जो चपरासी भी है वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है, इसलिए ये डिमांड जो है आज के दिन मौजूद है और इसीलिए हम लगातार मांग कर रहे थे, कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि इसको आप बढ़ा करके छूट, मतलब 5 लाख की इनकम तक वाला व्यक्ति को इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं पॉलिटिकल से थोड़ा सा अलग, और इन्होंने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने तरीके से फायदा भी लेने की कोशिश की है। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा पॉलिटिकल से अलग जानना चाहती हूँ, हालांकि आप एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको एज अ टैक्स पेयर जो डिस्पैरिटी है नीचे से लेकर के ऊपर तक, स्लैब जो है 10 से 50, ये जो विड्थ है, आपको कभी लगा है कि ये बहुत ज्यादा है? आप अलग स्पेक्ट्रम में है और जो नीचे है वो भी आपके बराबर दे रहा है, आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन एज अ इंडस्ट्री हम लोगों को क्या लगता है कि जैसे वो 25% टैक्स है 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले पर,
नहीं, वो तो आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो वो मिला की बात कर रहे हैं। तो वो सी वो भी जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स कम होगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतना आप बेनिफिट नीचे पास आउट करते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में भी फर्क करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, क्योंकि जो 250 करोड़ से कम की कंपनियां है वो ज्यादा वही है। और नरेश जी, आखिर में आपसे, क्या किसानों के ऊपर भी कभी आयकर का शिकंजा कसेगा आपको लगता है? नहीं, हम तो कहते हैं कि किसान जो है इस काबिल हो जाए कि उसकी खूब इनकम हो, हाँ। तो इनकम टैक्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जो बड़े टर्नओवर वाले जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बिल्कुल, वो भी इनकम टैक्स कभी नहीं देंगे? नहीं नहीं, जो करोड़ों में खेती से पैदा कर रहे हैं तो उनपे तो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो छोटे किसान की बात कर रहे हैं कि वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए, उसकी भी इनकम इतनी बढ़ जाए। तो अखिलेश जी, इसमें जो है ना, इस बार आपने नरेश जी से यदि पूछा कि जिसमें आरक्षण में गरीब सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने की बात कही है, उसमें तो 8 लाख तक वाला जो है गरीब है, और यहाँ जो है 5 लाख से इनकम टैक्स, लेकिन परिवार की बात, ये परिवार की थी, ये इंडिविजुअल टैक्स है, लेकिन उन्होंने भी कर दिया है 10 लाख। देखिए चुनाव के वक्त में कितनी हड़बड़ी में है ये दिखा रहा है, ये वजह कोई सीरियस नहीं, लेकिन अभी तो कर दिया, 10 लाख तक वाले टैक्स नहीं देना, ये उन्होंने करके कर दिया। लेकिन एनीवे, आपने जो बात कही है किसानों की, आप चाहते हैं किसान जी, जी, हम जो तो 6000 रुपए ये हड़बड़ी बात कर रहे हैं, 2004 से 2014 आप थे, चलिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? चलिए, वक्त हमारे पास रह नहीं गया है, हमको यहां पे रैप करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश, हम भी यही चाहेंगे कि किसान इतना सशक्त हो जाए कि इनकम टैक्स भरे। नहीं, ये तो खैर वक्त की बात है कि क्या होगा, लेकिन आज ये सवाल जरूर है कि जो आज बजट आया है, चुनावी बजट जो है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चुनाव में पता लगेगा। फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का।